भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भाजपा व अन्य प्रदेश अध्यक्षों के साथ लगभग 2.5 घंटा वार्ता की है। प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न स्थिति, सरकार, प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 28 मार्च से 7 अप्रैल तक प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर जगत प्रकाश नड्डा ने सराहना की है और विशेष तौर पर अन्य राज्यों में फेस कवर बनाने के लिए हिमाचल मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। नड्डा ने हिमाचल सरकार एवं प्रशासन के कार्यों की उच्च स्वर में प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे भोजन सामग्री, पीएम एवं सीएम रिलीफ फंड, फेस कवर निर्माण का कार्य करते रहें और प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य ऐप डाउनलोड करने के प्रति भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता द्वारा 40 लोगों को पीएम केयर से जोड़ना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया, बैंक, पोस्ट ऑफिस कर्मियों के लिए थैंक गिफ्ट पत्र बनाकर दस्तखत करवाकर भेजे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉल की और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। हम ये बताना चाहेंगे कि राशन वितरण करने का काम, फेस मास्क बनाने का काम, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशियां जमा करने का काम और आरोग्य ऐप डाउनलोड करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन सभी कार्यों की नड्डा जी ने प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, उसकी भी उन्होंने सराहना की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि इन पांचों कार्यों को निरंतर करना है। साथ ही पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, बैंक और पोस्ट ऑफिस कर्मी, मीडिया के साथी, अन्य प्रशासनिक लोग जो इस और संकट की घड़ी में लगातार कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन, थैंक यू करके पत्र बना करके उनको देना। इन सभी कार्यों को पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर करेंगे, यह आह्वान उन्होंने किया है।